कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ला की रहने वाली एक महिला अपने परिजनों के साथ एक बार फिर अपने ही वकील के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि करीब 3.5 माह पहले न्यायालय में मुकदमे की फाइल वापस मांगने पर अधिवक्ता ने चैम्बर में उसके पिता और भाई के साथ मारपीट की थी। मारपीट करने के बावजूद अधिवक्ता ने फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवाकर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली है। कहा है कि करीब 3.5 माह बीतने के बाद भी पुलिस ने ना तो मुकदमा निरस्त किया और ना ही फर्जी मेडिकल रिपोर्ट की जांच की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 13 और 17 व 18 दिसंबर को कार्रवाई की मांग को लेकर के उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण कराए जाने, फर्जी मुकदमा निरस्त किए जाने और मामले की सही जाँच कराकर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। जो झूठा मुकदमा लग पंजीकृत प्रण निर्मातु ने कराया उसको खारिज किया जाए, और उसके बाद में जो प्रण निर्मातु ने झूठी मेडिकल लगाई है उसकी दोबारा फिर से मेडिकल कराया जाए, और मेरा जो मुकदमा है वो मेरी वीडियो फोटोज में मौजूद जिस प्रकार से घटना हो घटित हुई है उसी आधार पे, और मेरी पापा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उस आधार पे पूरा मुकदमा मेरा पंजीकृत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।